वेलकम टू उर्दू चेस स्कूल। वीडियो बनाने का मकसद ये वाली जो वीडियो है इसमें आपको रूल ऑफ स्क्वायर का बताना है कि स्क्वायर का रूल क्या होता है, और ये बहुत ज़रूरी है पान एंडिंग के अंदर कि कैसे आप इस पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि अगर वाइट टू मूव होगा तो ये पोजीशन वाइट इज़ विनिंग, वाइट जीत जाएगा, और अगर ब्लैक का मूव होगा तो ब्लैक गेम ड्रा कर देगा। तो हम कैसे, हमें यह पता लगेगा कि ये पोजीशन अगर ब्लैक की बारी है तो गेम ड्रा है, और अगर वाइट की बारी है तो वाइट इज़ विनिंग। अगर आपको रूल ऑफ स्क्वायर पता होगा तो आप ये देख के पोजीशन अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही बताना मकसद है इस वीडियो में कि रूल ऑफ स्क्वायर क्या है। तो प्रैक्टिकल करते हैं इसका, रूल ऑफ स्क्वायर का। ये देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये पान का प्यादे का स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये एक पूरा स्क्वायर बन गया है इस पान का, और अगर वाइट का मूव होगा तो ब्लैक किंग इस स्क्वायर से बाहर है। जब ब्लैक किंग इस स्क्वायर से बाहर होगा तो वाइट जीत जाएगा। अगर ब्लैक का मूव होगा तो ब्लैक किंग स्क्वायर के अंदर आ जाएगा और गेम ड्रा हो जाएगी। अब देखें, वाइट का मूव है तो वाइट आराम से गेम जीत जाएगा। वन सैंपल लाइन देखते हैं इसकी। ये देखें आप, और अगर ब्लैक का मूव होगा तो देखते हैं ब्लैक कैसे गेम ड्रा करता है। अब देखें, अगर ब्लैक की बारी है, ब्लैक का मूव अगर इस पोजीशन में हम रखें तो गेम ड्रा होगी। ये देखें, सॉरी, ये देखें, अब ब्लैक किंग स्क्वायर के अंदर आ गया और ये गेम ड्रा हो जाएगी। ये देखें, फिर स्क्वायर के अंदर आ गया, ये स्क्वायर बनाया हुआ मैंने, फिर स्क्वायर के अंदर आ गया। ये देखें, तो उम्मीद है कि आप स्क्वायर का रूल समझ गए होंगे। इस पोजीशन में अगर वाइट का मूव हो तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि मैं अपना किंग यहाँ लेके जाऊँगा, वो पान यहाँ पे मूव करेगा, मैं अपना किंग यहाँ पे लेके जाऊँगा, आपको ऐसा नहीं सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। तो आप देख के पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं कि वाइट जीत रहा है या ब्लैक जीत रहा है। तो उम्मीद है कि आपको रूल ऑफ स्क्वायर समझ आ गया हो।